वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज नूडल्स बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको नूडल्स को अच्छी तरह से उबालना बताऊँगी, जैसे कि आपके नूडल्स चिपके चिपके ना बने। तो सबसे पहले हमें 3 से 4 कप पानी एक पैन में रख के बॉईल करना है। अगर 1 कप नूडल्स आप यूज़ कर रहे हों तो इसे लगभग 3 से 4 गुना पानी डालना है। जैसे अगर आप 1 कप नूडल्स लेते हैं तो आपको 4 कप पानी लेना है, 5 कप भी ले सकते हैं। ज़्यादा पानी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी कम नहीं होना चाहिए। उस जब पानी में बॉईल आ जाए तो उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और नूडल्स को हल्का तोड़कर डाल दें। पानी में जब नूडल्स कुक होने लगे तो बीच बीच में हमें चला देना है ताकि सारे नूडल खुलकर अच्छी तरह से कुक हो जाए। नूडल्स को लगभग 2 से 3 मिनट बॉईल करने के बाद हम नूडल्स को किसी फोर्क या चम्मच से निकालकर उसे अपने हाथों से दबाकर देख लेंगे कि नूडल्स कितना कुक हुआ है। हमें नूडल्स को 80-90% ही कुक करना है। जब हमारा नूडल्स 80 से 90% के बीच कुक हो जाए तब हमें उसे स्ट्रेन कर लेना है। तो मैं नूडल्स को बीच बीच में चलाकर देख ले रही हूँ कि ये कुक हुआ है कि नहीं। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया, अब मैं इसे अच्छी तरह से चलाकर हाथों से दबाकर चेक कर रही हूँ। ये लगभग 90% कुक हो गया है। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर से छान लूँगी। आप चाहें तो इसे रनिंग वाटर के नीचे भी छान सकते हैं। रनिंग वाटर के नीचे आप इस तरह से स्ट्रेनर को डाल के नूडल्स को छानने के बाद रनिंग वाटर के नीचे स्ट्रेनर को डालकर फोर्क से उसे चलाते हुए आप इसे ठंडा कर सकते हैं। अगर आपको नूडल्स अभी कुक करना हो तो इसे आपको ठंडे वाटर से रनिंग वाटर के नीचे रखकर ठंडा करना होगा। और अगर आपको थोड़ी देर में बनाना हो तो आप नूडल्स को इस तरह से 1 या 2 बार ठंडे पानी से धोकर किसी बर्तन में डालकर 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर अच्छी तरह से चला लें और इसे फैला के रख दें। अगर आपके पास आप नूडल्स उबाल कर पहले से रख रही हो और उसे बनाना लेट से हो तो आप इसे फैला कर वेजिटेबल ऑयल लगा के इसे फैला कर रख दें ताकि वो ठंडे हो जाए, या इस तरह से इसे मिलाकर फ्रिज में डाल दें। अब मैं आपको नूडल्स बनाना बताती हूँ। मैंने यहाँ 150 ग्राम नूडल्स लिया है, 2 टेबलस्पून कटा हुआ बारीक लंबे लच्छे में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून लंबा लच्छे में कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी और 2 टेबलस्पून गाजर लिया है। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने तीखे खाने के अनुसार लें। और ये मैंने कुछ एडिशनल नमक लिया है, जो अगर नमक कम हो तो उसमें मैं डालूँगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच सेजवान सॉस लिया है, आप चाहें तो आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अगर आपको टोमेटो सॉस का फ्लेवर पसंद हो तो आप 3 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है। इस सॉस का इस्तेमाल मैं नूडल्स को फ्राई करते समय करूँगी। आप चाहें तो एडिशनल टोमेटो सॉस और चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून चिली सॉस लिया है। उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून विनेगर लेके सारे सॉस को अच्छी तरह से मिला लूँगी। सारे सॉस को अच्छी तरह से मिला के एक कोर रख लूँगी। और मैंने यहाँ नूडल्स मसाला लिया है, आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का नूडल्स मसाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ सेजवान कंपनी का चिंग्स का नूडल्स मसाला लिया है। अब मैं एक भारी तले के कढ़ाई को गर्म करूँगी और इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर गर्म करूँगी। जब वेजिटेबल ऑयल गर्म हो जाए तब मैं उसमें बारीक कटे हुए मिर्च को डाल दूँगी। हरी मिर्च मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि हमारा नूडल्स थोड़ा तीखा बने। सॉस वगैरह से नूडल्स तीखा नहीं बनता है, तो आप जिस अनुसार से तीखा खाना चाहते हैं उतने आप हरी मिर्च इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बारीक लंबे कटे हुए शिमला मिर्च, बारीक लंबे कटे हुए प्याज को डालकर थोड़ी देर
सौते करूँगी। बारीक लंबे कटे हुए प्याज, बारीक लंबे कटे हुए गाजर और पत्ता गोभी को डालकर सौते करूँगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना ही कुक करना है। हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारे वेजिटेबल्स को लगभग आधा से एक मिनट पकाने के बाद मैं इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स को डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से चला दूँगी ताकि सारे वेजिटेबल्स नूडल्स में अच्छी तरह से मिल जाए। मुझे अभी ही कुक करना था नूडल्स, इसलिए मैंने नूडल्स को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज के पानी से भी ठंडा कर सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि सारे सब्जियाँ नूडल्स में मिक्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखने से क्या होगा कि नूडल्स नीचे चिपक जाएगा, इसलिए हमें फ्लेम को लो कर रखते हुए चलाते हुए पकाना है। अब मैं इसमें नूडल्स मसाला डाल दूँगी। अगर आपके पास नूडल्स मसाला है तो आप नूडल मसाला यूज़ करें, अगर आपके पास नूडल मसाला नहीं हो तो आप आधी चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी मिलाकर डाल सकते हैं। अब मैं सारे सॉस को, मिक्स किए हुए सॉस को नूडल्स में डाल दूँगी और उसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारे नूडल्स पर यह सॉस कोट हो जाए। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि सारा सॉस नूडल्स पर कोट हो जाए। और ध्यान ये भी रखना है कि नूडल्स तले से ना लगे, इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। आप चाहें तो दो स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्क का भी इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको चलाने में आसानी हो। मैं यहाँ थोड़ा सा नूडल बना रही हूँ, घर में हम थोड़ा सा ही बनाते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हो तो आपको दो स्पैचुला यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप नूडल्स बनाएं। अगर आपको अधिक क्वांटिटी में नूडल्स बनाना हो तो थोड़ी थोड़ी नूडल को उबालकर उसे ठंडा करके थाली में फैला लें और उस पर वेजिटेबल ऑयल डाल दें। नूडल्स जब फ्राई हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर आप चख लें कि नमक सॉस ठीक है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो इस स्टेज पर थोड़ा सा एडिशनल नमक डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सॉस तो आप खाते समय भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए सॉस ऐड करना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें कि आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके नूडल्स में क्रंच, वेजिटेबल्स का क्रंचीनेस रहे, तो आप कुछ कटे हुए सब्जियों को बचा लें और फ्लेम ऑफ करने के बाद उसे नूडल्स में डालकर अच्छी तरह से चला दें और सर्व करें। इससे